अरे सुन कीरा, मैं तेरे लिए गाना लिखा है, सुनाओ। यूट्यूब शूटिंग नहीं इजी 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 यूट्यूब शूटिंग नहीं इजी 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 इजी। अबे इजी इजी के अलावा कुछ और बोलने का इरादा है? ये पूरे गाने को इसी से कंप्लीट करना है? तो हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि देसी म्यूजिक फैक्ट्री पे एक नया गाना आया है, जिसे गाया है हमारे वन एंड ओनली टोनी कक्कर भैया ने, हमारी नेहा दीदी ने और हमारे योयो पाजी ने। और हाँ, इस गाने की लेंथ पूरे 3 मिनट 39 सेकंड की है। हाँ हाँ, पता है आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोली है, मतलब अगर हिंदी में गिनती बोलो तो अजीब सी हो जाती है। चलो छोड़ो, 3 मिनट 39 सेकंड का पूरा गाना है ये, जिसमें से सिर्फ 50 सेकंड ही आपको लगेगा कि शायद कोई गाना सुन रहे हैं, वरना तो पूरे गाने में सो गाइस, जरा ध्यान देते हैं अब इस गाने के लिरिक्स की तरफ। तो भाई साहब, गाना शुरू होता है, राजा तेरे महल के पीछे 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 पीछे, हां जी तेरे तेरे बगीचे नीचे 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 क्यों। वैसे हमें पता है कि महल के पीछे की बात हो रही है, तो उसे 36 बार रिपीट करना जरूरी है क्या? तो गाइस जरा आगे पढ़ते हैं लिरिक्स। कांटा लगा उइमा 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 उ, फिर से कांटा लगेगा, कांटा लगा उइमा 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 उ उ, इस बार 2 बार उ उ उ होगी गाइस। उसके बाद फिर से एक बार कांटा लगेगा और इस बार आए 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 आए। तो अब बारी आती है हमारे टोनी कक्कर भैया की, अब देखते हैं उन्होंने लिरिक्स में क्या चेंजेस किए हैं। सो गाइस, कोई चेंज नहीं है, नेहा दीदी के गाने में राजा वाली लाइन थी और हमारे टोनी भैया के गाने में रानी वाली लाइन आ जाती है, एंड सेम लिरिक्स रिपीट हो रहे हैं अगेन। तो आइए पढ़ते हैं। रानी मेरे महल के पीछे 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 पीछे, हां जी मेरे मेरे बगीचे नीचे 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 हूँ। शायद हमारे टोनी भैया ने ये लाइनें अपने किसी गाने में रिपीट की हैं। बूटी शेक, कोई बात नहीं है, वो बूटी शेक था, ये कांटा लगा है। फिर से उन्हें कांटा लगता है, कांटा लगा उइमा 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 उ, फिर उसके बाद दोबारा से उन्हें कांटा लगता है। गाइस 4 बार नेहा को कांटा लगा था, अब 4 बार शायद टोनी को कांटा लगेगा। टोनी भाइयों को सिर्फ 2 ही बार कांटा लगा है, तो गाइज उन्हें 3री बार कांटा नहीं लगने वाला है। 3री बार में उन्होंने एक लाइन शुरू कर दी है, थोड़ी सी नई लाइनें हैं ये। क्योंकि सुंदर नारी खड़ी थी कुवारी, आंख मटका रही ओ ओ आई डोंट नो इट्स ओ ओ और उ उ। ओहो, मतलब सुंदर नारी खड़ी थी कुवारी, तो तुम्हें क्या अचार डालना है उसका? उसके बाद हमारे टोनी भैया बोलते हैं, अरे लाल तेरी साड़ी दिखती नाड़ी, अड़ गई गरारी क्यों क्यों क्यों। अरे लाल तेरी साड़ी दिखती नाड़ी, अड़ गई गरारी क्यों क्यों। लाल तेरी साड़ी, सीरियसली? अबे इस गाने में किसी ने लाल साड़ी पहन रखी है? कोई बात नहीं, हमारे टोनी भैया का गाना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो गाइज इसके बाद आता है हमारा धीमे 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 2000 years later होने दे। तो मतलब आपको 10 बार धीमे धीमे बोलना है, उसके बाद होने दे। आगे देखते हैं। ओ, तो गाइस 10 बार आपको धीमे धीमे बोलना था, उसके बाद होने देना था। अब इसके बाद आता है भीगे, तो भीगे वर्ड को भी आपको 10 बार रिपीट करना है, उसके बाद बोल देना है भिगोने दे। तो यहाँ आपके आधे लिरिक्स हो जाते हैं खत्म। इसके बाद हमारे टोनी भैया का फेमस आहा। तो आगे लिखा है, टोनी कक्कर के गानों पे नाची लड़की जरा भी सोई ना। अगर ऐसे ही गाने बनाओगे तो कौन लड़की सोएगी? गाइस 4th-5th बार फिर से। तो
गाइस पूरा गाना इसी में निकल जाना है, कुछ आपको आगे नहीं मिलना है, एक्सपेक्ट मत करना बिल्कुल भी। इतना सब होने के बाद थोड़ा सा शब्दों का जो भंडार आपको मिलेगा देखने के लिए वो हमारी हनी पाजी की रैप मिलेगा। सो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी रैप देख सकते हैं गाइस, मैं पूरी रैप नहीं पढ़ने वाली हूँ। जितने वर्ड हमारे हनी पाजी की रैप में है ना, उतने शब्दों में हमारे टोनी कक्कर भैया 50 गाने लिखने की क्षमता रखते हैं। तो फाइनली 36-37 बार जो है रिपीट कर करके ये 2 से 3 मिनट का गाना जो है यहीं खत्म होता है। Everything is temporary, but Tony Kakkar's aha is permanent. Tony, काटा लगा इस old song, let's make a remake. नेहा, सिर्फ वर्ड लेंगे और बार बार एक लाइन बोलेंगे। म्यूजिक लेबल हनी सिंह को ले आएंगे फॉर मोर व्यूज। गज लिटरली ये वाला कमेंट जो है ये मेरा फेवरेट है। हनीज मम्मी भी लाइक, ये दोनों भाई बहन मिलकर मेरे हनी को बिगाड़ रहे हैं। गाइस ये वाला देखो, इस सॉन्ग में उइमा 70 बार, नीचे 6 बार, पीछे 6 बार, आए 14 बार, धीमे 12 बार, भीगे 12 बार, एंड ऊ 8 बार, एंड आह 4 बार। बाय गॉड क्या ही बात कही है, बल्कि शायद इसके कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है। मतलब पूरा गाना ही इन्हीं शब्दों से भरा हुआ है, इसके अलावा है क्या पूरे गाने में। तो गाइस इस वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती यार, बस बहुत हो गया। अपने आप तुम जाके पूरे लिरिक्स पढ़ लेना रैप वैप के, और यार देखो लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।